ब्रिटेन की राजधानी लंदन में G7 समूह के अमीर देशों की बैठक शुरू हुई। दो दिनों की वार्ता में गूगल, फेसबुक और अमेजन पर और टैक्स लगाने पर ग्लोबल डील होगी। वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार नेताओं के बीच आमने सामने की बैठक हुई। चीन के तियानन मेन चौक नरसंहार की 32वीं बरसी पर हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक चाओ हेंगतू को गिरफ्तार किया। चाओ हेंग ने फेसबुक पेज पर तियानन मेन चौक पर नरसंहार में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपील की थी। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित एक रेस्तरां में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाका गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोकीन जब्त की। कोकीन की कीमत करीब 900 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस सिलसिले में कई और बड़े रैकेट का भी खुलासा हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कोरोना चीन के वुहान लैब से निकलने की बात कही गई थी। वायरस की उत्पत्ति को लेकर काफी विवाद है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अभी भी उन रिपोर्टों की जांच कर रही है कि कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई। लॉटरी स्कीम से अमेरिका में वैक्सीनेशन को रफ्तार मिल रही है। ओहायो प्रांत में इनाम जीतने के लिए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। पिछले महीने वैक्सीन लगवाने की दर में कमी के बाद गवर्नर ने वैक्स से मिलियन लॉटरी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। एक युवती और एक युवा करोड़ों का इनाम जीत चुके हैं। जापान ने ताइवान को कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,40,000 खुराक भेजी। जापानी विमान वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को ताइवान के ताओ युआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ताइवान में महामारी शुरू होने के बाद से सबसे बुरे हालात से लड़ने के लिए ये मदद भेजी गई है। वैक्सीन भेजने पर ताइवान के राष्ट्रपति ने जापान के प्रति आभार जताया। एस्ट्राजेनेका से करार के बाद थाईलैंड में 7 जून से मास वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसी हफ्ते कंपनी पहली खेप में 18,00,000 डोज थाईलैंड को देगी। थाई कंपनी सियाम बायोसेंस एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर देश में ही वैक्सीन उत्पादन कर रही है। देश में केवल 4% लोगों को ही वैक्सीन की पहली खुराक लगी है। दुनिया में कोरोना के मामले 17,29,00,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 37,18,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। वहीं 15,57,00,000 से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। पूर्वी चीन शेडोंग के यंताई शहर में प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा। घने कोहरे की मोटी चादर से तटीय शहर वंडरलैंड में तब्दील हुआ। शानदार मौसम का लुत्फ उठाते लोग नजर आए। गर्म हवा और समुद्री ठंडे पानी के मिलने से ये प्राकृतिक घटना घटती है।